नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी में दो फाड़, नाराज शिवपाल यादव ने दिया मंत्री पद और अध्यक्ष पद से इस्तीफा। मुख्यमंत्री अखिलेश ने इस्तीफा लौटाया। इस्तीफे के बाद समर्थकों के बीच पहुंचे शिवपाल, कहा नेताजी का संदेश मेरे लिए आदेश। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सिवान पहुंची सीबीआई की टीम, दर्ज किया केस। नीतीश कुमार ने कहा कानून करेगा अपना काम। राहुल गांधी की किसान यात्रा पहुंची चित्रकूट, खाट पंचायत के दूसरे दौर की आज से होगी शुरुआत। बांदा और महोबा में भी करेंगे खाट पंचायत। कावेरी जल विवाद के बाद कर्नाटक में तमिलों पर हुए हमले के खिलाफ तमिलनाडु बंद। डीएमके समेत ज्यादातर राजनीतिक दल बंद के समर्थन में। एआईडीएमके और बीजेपी ने किया बंद से किनारा। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। अमन विहार इलाके में दो लड़कियों से गैंगरेप, 5 में से 4 आरोपी गिरफ्तार। पेट्रोलियम कंपनियों ने दी थोड़ी खुशी ज्यादा गम, 58 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में 31 पैसे की कटौती। जियो न्यूज के हवाले से खबर, पाक से निर्वासित बलोच नेता ब्रह्मदाग मुक्ति को मिलेगी भारतीय नागरिकता। बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलन चला रहे हैं मुक्ति। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।